हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हर बार की तरह एक बार फिर से की टू सक्सेस जे के चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट किया है कि सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूजीएटी और पीजीएटी यानी कि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट और पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट में सर फॉर्म कैसे अप्लाई होता है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसका लास्ट डेट क्या है, सर इस पर एक वीडियो बनाइए। तो स्टूडेंट्स, आपके इस कमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमने ये वीडियो आपके सामने प्रदर्शित किया है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सरल है। यदि आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल, तब भी आप कर सकते हैं, या अगर लैपटॉप वगैरह है तब भी कर सकते हैं। तो आइए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चल के बताते हैं आपको कि कैसे आप मोबाइल से या फिर लैपटॉप से कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, फोटो और सिग्नेचर, और आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी कि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान होना चाहिए, 10वीं, 11वीं और 12वीं का डिटेल, जैसे कि उसका पासिंग ईयर, पासिंग मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स और उसका जो रोल नंबर है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से व्यवस्थित करके रख लेना है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। स्टूडेंट्स, आपके पास यदि कोई भी ब्राउजर हो, जैसे क्रोम ब्राउजर या यूसी ब्राउजर या इंटरनेट एक्सप्लोरर या जो भी ब्राउजर हो, पहले आप उसको ओपन कर लीजिए। तो आप डायरेक्टली या तो इलाहाबाद साइट पर जाइए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, या और भी कई रास्ते हैं। तो चलिए हम पहले स्क्रीन पर लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले यदि आपके पास मोबाइल वर्जन है, मोबाइल है, तो आप उस पर क्या करिए कि आप राइट साइड में जाइए और थ्री डॉट पर क्लिक करके नीचे आप जाते जाइए, जाते जाइए, और आपको दिखेगा डेस्कटॉप साइट, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप चाहे मोबाइल पर काम करते हुए भी आप जो है लैपटॉप की स्क्रीन का वर्जन देख सकते हैं। तो आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए, उस पर आप डालिए उसके एड्रेस बार में सरकारी रिजल्ट.com। आप इसके और इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, दाहिने साइड में देखेंगे जहाँ पर जॉब के लिए दिया हो, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2020, या फिर आप दूसरा वेबसाइट एंट्री कर सकते हैं रोजगार रिजल्ट.com, इसमें भी आप वैकेंसी वाले पोर्शन में जाके देख सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन 2020 ऑनलाइन फॉर्म दिया हुआ है। तो इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम सरकारी रिजल्ट पे आके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चलते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिखाया जा रहा है UGAT, PGAT, LLB 3 ईयर्स कोर्स है। इसका एप्लीकेशन जो है 10 मार्च 2020 से ही, स्क्रॉल करते हुए जब नीचे चलते हैं तो आपके पास चार ऑप्शन दिया है, अप्लाई ऑनलाइन, हाउ टू फिल फॉर्म, वीडियो हिंदी, डाउनलोड नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ चुके होंगे अप्लीकेशन फॉर्म पर। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे आपका कोर्स क्या है, क्या UG है, PG है, LLB है, UGAT है और PGAT, इसमें से क्या है, कोई एक जो है सेलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग जो आपको करना है, और आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपको अगले पेज पर ले जाया जाएगा जिसमें आपका लिखा होगा डेट्स एंड इन्फॉर्मेशन, डाउनलोड नाम का बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही आपके पास वो पूछेगा कि डाउनलोड कहाँ करना चाहते हैं, उसका एड्रेस वगैरह दे के डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे तो ये फाइल आपका डाउनलोड कर लिया जाएगा, जिसमें बहुत से डिटेल्स दिया हुआ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की इंपॉर्टेंट डेट्स में ये पहला दिया रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ फॉर्म, और दिखा के इट विल बी अनाउंस लेटर, यह बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा क्योंकि कोरोना COVID-19 की वजह से। लास्ट डेट वाज सबमिशन ऑफ फॉर्म ऑनलाइन, और ये भी बाद में अनाउंस किया जाएगा। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स, ये जो है एडमिशन के एक सप्ताह पहले अपलोड कर दिया जाएगा, और डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट BA, BSc, BCom वगैरह का जो है ये सब बाद में अनाउंस कर दिए जाएंगे, और BSc होम साइंस का ये भी बाद में, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये भी बाद में, और कमेंसमेंट ऑफ एडमिशन ये भी बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। ये सारे डिटेल है आप इसमें डाउनलोड वाले ऑप्शन में देख सकते हैं। तो वापस हम चलते हैं, तो इसमें लास्ट डेट दिया है 25 मार्च 2020 को, ये जो बंद कर दिया गया था 10/5/2020 को कर दिया गया वापस, और रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का अंतिम डेट है 30 जून 2020, ये बंद कर दिया गया था 10 मई 2020 तक हो गया था। पेमेंट इन डेट है आपका 30 2020,
और इसमें अपन नीचे आएंगे देखेंगे लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन आईडी पर क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म ले जाएगा। लेकिन अभी आपने नहीं किया तो ऊपर आप आइए, रजिस्ट्रेशन जो बटन ब्लिंक कर रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आगे आपको फॉर्म पर ले जाया जाएगा जिसमें एप्लीकेशन फुल नेम, कन्फर्म एप्लीकेशन फुल नेम, एप्लीकेशन फादर्स नेम, एप्लीकेशन मदर्स नेम, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आप भर कर देखेंगे, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, तो आप प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। आइए भर के हम आपको दिखाते हैं। तो फर्स्ट जैसे मैंने नाम डाल दिया अनुराग विश्वकर्मा और कन्फर्म वाले में भी वही मैंने टाइप कर दिया और आगे मैंने देखा एप्लीकेंट फादर नेम और एप्लीकेंट्स मदर नेम, नेशनलिटी मैंने इंडियन भर दिया, मोबाइल नंबर अपना दे दिया और ईमेल आईडी वगैरह देने के बाद जेंडर अपना सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अगले पेज पे ले जाएगा जिसमें आपको दिया जाएगा थैंक यू फॉर अप्लाइंग विथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, योर रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटेड। तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। एक्चुअली लॉगिन आईडी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं लेकिन पासवर्ड आपका वही डेट ऑफ बर्थ ही होता है, तो इसको आप याद रखेंगे या फिर आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। और जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको अगले पेज पर ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं आप, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे आगे चलते हैं तो मोड ऑफ एंट्रेंस टेस्ट आप उसको करिए, ऑफलाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन को। टेस्ट सेंटर आप दे सकते हैं, चूँकि तीन सेंटर आपको देना है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो नज़दीकी एरिया आपको लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं, से कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, पटना, दिल्ली, तो उनमें से आप कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये सारे डिटेल अपने आप उसके नीचे वाला आ जाएगा। डोमिसाइल स्टेट्स आप सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल, फिर ओबीसी क्रीमी लेयर है या नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिफरेंशियली एबिलिटी है तो आप नो करेंगे। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन यदि हाँ तो यस, अगर नहीं है तो नो। हैव यू कम्प्लीटेड एनसीसी बी सर्टिफिकेट, यदि हाँ है तो यस करिए, अदरवाइज नो करके आगे बढ़िए। नेशनलिटी इंडियन है, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आप एंट्री करेंगे। अब एंट्री करने के जस्ट बाद तो पेरेंट्स एनुअल इनकम, एनुअल इनकम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जिनमें आपका लेस देन 3 लाख होना चाहिए। माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी पे आप सेलेक्ट करेंगे, यदि हैं तो यस, नहीं है तो नो। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कश्मीरी माइग्रेंट्स, यदि यस है तो यस, अदरवाइज नो। आगे है कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं, यदि हाँ है तो यस, अगर नहीं है तो नो। इसके आगे लिखा है मैरिटल स्टेटस, यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अनमैरिड सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। और आगे लिखा है हॉस्टल रिक्वायर्ड, यदि आपको हॉस्टल की ज़रूरत है तो यस, अदरवाइज नो। और नेक्स्ट है इज़ देयर एनी पेंडिंग पुलिस केस अगेंस्ट यू, क्या आपके खिलाफ कोई पेंडिंग पुलिस केस है, यदि हाँ तो यस, अदरवाइज नो पर सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको ले जाएगा एड्रेस पूछने के लिए, एक होगा करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और एक होगा परमानेंट एड्रेस। तो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, स्टेट, पिन कोड वगैरह कंप्लीट करने के बाद आप परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे। यदि आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आप उस पर टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको अगले पेज पर ले जाया जाएगा जहाँ से आपको एकेडमिक लेवल की जानकारी मांगी जाएगी, जैसे हाई स्कूल 11th और 12th का आपका पासिंग ईयर क्या है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या बोर्ड, स्कूल का नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, वो ग्रेड मार्क था या फिर परसेंटेज था, उसका मैक्सिमम मार्क क्या था और आपने ऑप्टेंड कितना प्राप्त किया था, ये चीज़ सारे जैसे ही फिल करेंगे तो परसेंटेज वाले कॉलम में अपने आप वो ले लेगा। इसी तरीके से आप अपना 10th का, 11th का और 12th का कंप्लीट करेंगे और फिल करने के जस्ट बाद आप आगे बढ़ेंगे। बात आएगी जब 12वीं का फिल करने के लिए तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होगी, तो आप उसमें सेलेक्ट करना होगा कि आप कंप्लीट कर चुके हैं या फिर अपीयरिंग में है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें कोविड-19 की वजह से अभी कोई स्टूडेंट पास आउट नहीं हो पाया, तो अपीयरिंग उसमें आप 12th वाले में सेलेक्ट करेंगे ईयर, और ईयर आपका 2020 रहेगा ही रहेगा, आप यूपी बोर्ड हैं या सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड होगा, रोल नंबर एंट्री करेंगे और आपका ग्रेड और परसेंटेज जो भी होगा वो उसको आप ब्लैंक खाली छोड़ देंगे 12वीं वाले में, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं घोषित हुआ है। और आगे बढ़ेंगे तो आपका स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम में आप सेलेक्ट करेंगे आर्ट, कॉमर्स या अदर। हैविंग वन सब्जेक्ट तो आपका कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो आपका यदि उसमें कोई एक है तो ठीक है, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल करके सेलेक्ट कर लीजिए आप कोर्स को बीए या फिर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो आपके पास 10 प्रेफरेंसेस देने होंगे,
प्रेफरेंस वाइज 2, 2, 3, 4, 5 से लेकर 10 तक कोई भी आप सब्जेक्ट उसमें आप देने के जस्ट बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि आपका जो लेफ्ट हैंड थंब हो, फोटो हो या सिग्नेचर हो, तीनों ही आपको 80 KB से लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी आपका अपलोड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। पहले फ़ोटो आपको मांगा जाएगा, फिर बाद में सिग्नेचर और बाद में लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें जो आपने अभी तक फिल किया वो पूरा कंप्लीट दिखाई देगा। यदि आप उसमें कोई गड़बड़ी, मॉडिफाई बटन पर क्लिक करके फिर से आप एक बार चेक कर लेंगे कम्प्लीटली, अदरवाइज जैसे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे आपका फिर से करेक्शन नहीं हो पाए। नीचे आपको लिखा आई एग्री, उस पर क्लिक करने के जस्ट बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आप अगले पेज पर चल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ऑर्डर नंबर है उसको आप कहीं पर नोट डाउन कर लेंगे तो बेहतर होगा। नीचे बटन दिया है पे ऑनलाइन, क्लिक करते ही आपको अगले पेज पर ले जाया जाएगा जहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन होंगे पेमेंट करने का, ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग। तो उनमें से आप कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे। तो आइए अभी हम डेबिट कार्ड सेलेक्ट करके आपको दिखाते हैं। कार्ड नंबर और उसका एक्सपायरी डेट वगैरह कंप्लीट करने के बाद CVV नंबर एंट्री करिए और एंट्री करने के बाद आप मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। ये साइट रीडायरेक्ट होके आपके बैंक वगैरह से जो रीडायरेक्ट होगा आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। एंट्री करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, एक पेज दिखाई देगा जिसमें आपका योर ऑर्डर ID रहे, ऑर्डर अमाउंट रहेगा और आपका रिस्पॉन्स मैसेज रहने के बाद नीचे एक बटन होगा, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपको पुनः वापस आपको वो फर्स्ट वाली पेज पर ले जाया जाएगा जब आपने शुरुआत किया था। तो इस बार आप लॉगिन ID और पासवर्ड एंट्री करेंगे और करने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपको थैंक यू नाम का मैसेज देगा और आपको पूरा डिटेल दिखाई देगा जो आपने अभी तक फिल किया। नीचे लिखा होगा प्रिंट नाम का एक बटन, उस पर आप क्लिक करिए। अब जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपसे प्रिंटर कनेक्ट है, यदि आपके सिस्टम में तो प्रिंट होगा, अदरवाइज मोबाइल में है तो आपको सेव कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।